ऋतिक रोशन ने बोला है कि कल्कि जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ेगी और प्रभास का मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रभास को इस बार कल्कि के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रभास अना की, और नाग अश्वनी और प्रभास अना की जो कि मूवी आने वाली है कल की, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर रहती हुई देखने को मिल रही है पूरी की पूरी बॉलीवुड, उसके साथ जो कि यहाँ पर साउथ इंडस्ट्री भी, पूरी इंडिया के अंदर जो कि कल की 2898 की मूवी का जो है चर्चा होता हुआ देखने को मिला है। अभी तक मूवी को रिलीज़ होने के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम है, मई के मंथ के अंदर 9 तारीख को जो कि मूवी रिलीज़ होने वाली, लेकिन उससे इतना ज़्यादा टाइम पहले जो कि कल्कि की जो हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है। अब जितनी अपडेट्स आई हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए, सोर्सेज के हिसाब से अगर देखा जाए, तो भाई साहब शूटिंग जो है वो कल्कि के पार्ट वन की जो कि कंप्लीट होने को आती हुई देखने को मिल रही है, और डेफिनेटली जो मूवी है वो हमको 9th of May देखने को मिलेगी 2024 के अंदर, ये कन्फर्मेशन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब मूवी जो है वो यहाँ पर डिले हो जाएगी, पोस्टपोन प्रीपोन होगी, लेकिन नहीं, मूवी जो कि यहाँ पर अपने टाइम के ऊपर ही रिलीज़ होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस को सेट किया है, लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस होने वाले हैं कल की मूवी के अंदर, कल की मूवी की अपडेट्स के अंदर, कल की मूवी के टीजर और ट्रेलर के अंदर। जितनी अपडेट मैं आपको बताऊं कि भाई साहब जो ट्रेलर है वो हमको अप्रैल के मंथ की लास्ट डेट्स के तब खुद आता हुआ देखने को मिलेगा, और जो टीजर है वो हमको जो कि अप्रैल की स्टार्टिंग या फिर फरवरी की लास्ट दिनों के अंदर आता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसे कुछ चांसेस हैं, अब देखते हैं क्या सीन्स होते हैं, किस लेवल के ऊपर जाती हुई देखने को मिलती है कल की। लेकिन यहाँ पर कल की लॉर्ड्स ऑफ सरप्राइजेस के साथ आने वाली ये कन्फर्म है। उसके अलावा यहाँ पर जो कि कल की जो है वो हॉलीवुड लेवल को टक्कर देती हुई देखने को मिलेगी, और ऐसी फर्स्ट जो कि इंडियन फिल्म होगी जो कि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, जैपनीज, चाइनीज, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर जो कि यहाँ पर डब्ड होती हुई देखने को मिलेगी। तो काफ़ी कुछ सीन्स हैं कल्कि के अंदर, कल्कि बहुत बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। आपका क्या ख्याल है, बाहुबली के बाद प्रभास ने कल्कि के अंदर क्या करके हुए देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो है वो कितने बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे, ये जो कि आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये छोटी सी वीडियो थी कल्कि के बारे में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी, और अगर आप यहाँ पर कल्कि मूवी के बारे में अपडेटेड ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम यहाँ पर कल्कि से रिलेटेड हर एक जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कीप वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।